हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्लूमिंग गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शमी के प्लांट के बारे में बातें करूंगी। शमी का प्लांट एक शुभ पौधा होता है, घर में ज़रूर लगाना चाहिए। आज मैं आपको इसको कैसे केयर करना है, इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, इसको फर्टिलाइज़र क्या देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी। शमी का जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये एक डेजर्ट प्लांट है। आप इसके पत्तियों से भी देख सकते हैं, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं इस तरह से स्पाइक्स में होती हैं। ये देखिए, ये इस तरह से स्पाइक्स जो पत्तियां होती हैं लीव्स, ये डेजर्ट प्लांट की एक क्वालिटी होती है, क्योंकि इनको वाटर को जो है इवेपोरेट नहीं करना होता ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम वाटर इवेपोरेट हो, अलग अलग जगह पर स्टोर रहे, इसलिए जो है इस प्लांट्स को इस तरह से स्पाइक्स होती हैं। ये जो है इस प्लांट की लीव्स की, इसकी जो है बर्ड्स हैं, ये फूल जो है इस तरह से है पिंक एंड येलो। ये जो है ये वाला फूल जो है पूरी तरह से खिल गया है, ये पर्पल एंड येलो शेड में है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ इसका प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं। आप इसे प्रोपोगेट करने के लिए जो है इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, और आप इसे नर्सरी से भी परचेज कर सकते हैं। नर्सरी में ही आपको 50-60 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसको जो है लगाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि इस ये प्लांट जो है बहुत यूनिफॉर्म वे में जो है नहीं बढ़ता है, इसकी ब्रांचेस जो हैं अलग अलग जगह से बढ़ती हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इसको एक ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पर जो है इसके लिए प्रॉपर स्पेस हो, या फिर अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप इसको जगह जगह से कट करके, बार बार कटिंग करके इसका जो ग्रोइंग पैटर्न है उसको एक यूनिफॉर्म वे में बना दीजिए। बाकी ये एक डेजर्ट प्लांट है, तो उसकी मिट्टी जो है हमें हमेशा ड्राई ही रखनी चाहिए। इसको ज़्यादा मिट्टी वेट नहीं होनी चाहिए। आप इसको जो है रेतीली मिट्टी बनाइए, 50% रेत लीजिए, और इस प्लांट में 25% गार्डन सॉइल लीजिए, और 25% आप इसमें खाद दे सकते हैं। खाद जो आप इसे रेगुलर देना चाहते हैं तो आप इसे गोबर खाद दे दीजिए, और अगर गोबर खाद नहीं अवेलेबल होती है तो 15-15 डेज में आप इसको DAP भी दे सकते हैं। देखिए प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैंने इस पर कोई भी फ्लावरिंग के लिए कोई भी तरह का खाद यूज़ नहीं किया है, ना ही मैंने इसे पोटैश दिया है। मैं इसे 15-15 डेज में या कभी कभी 20 डेज में जो है DAP दे देती हूँ। मैं इसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ, ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। बस इसका ग्रोइंग पैटर्न जो है वो बहुत ही अनयूनिफॉर्म है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में नहीं ग्रो करता है। देखिए इधर से भी जो है इसकी ब्रांचेस जो हैं निकल जाती हैं। अगर ये ज़मीन पे लगाया जाए पेड़, ये पौधा, तो ये प्रॉपर एक बहुत बड़े पेड़ का आकार ले लेता है, काफ़ी बड़ा तना बन जाता है इसका। मैंने जो है इसे 12 इंच के गमले में लगाया है, छोटे गमले में भी लग सकता है। देखिए इसमें फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं, कितनी सारी बर्ड्स आ रखी हैं। बहुत सुंदर प्लांट है, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसको जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसको सनलाइट किस तरह की चाहिए, इसको फुल सनलाइट चाहिए। आप इसे तेज़ धूप में रखिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको बताया ये डेजर्ट प्लांट है, तो ये हर तरह का टेम्परेचर जो है झेल सकता है। सर्दियों में जो है इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, जो इसका ब्लूमिंग टाइम है वो समर का है, मई से लेकर अक्टूबर तक जो है इसमें ब्लूमिंग रहती है। देखिए ये कितना सुंदर तरीके से प्रॉपर ब्लूम कर रहा है। अभी इवनिंग हो गई है तो थोड़ा बर्ड्स जो हैं मुरझा भी गई हैं, बट मॉर्निंग टाइम में तो ये पूरा फुल ऑफ फ्लावर्स रहता है। इसके फ्लावर्स जो हैं जो रहते हैं एक या दो दिन, तो इसका एक फ्लावर जो है आराम से रह जाता है, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा फेड होने लग जाता है। आप देख सकते हैं फ्लावर्स में किस तरह का फेडनेस आ गया है। सो फ्रेंड्स, ये तो है इस प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स। आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइए और इसको साफ़ जगह पे रखिए। ये एक वास्तु प्लांट भी है, घर में इसकी पूजा भी की जाती है, आप इसको एक साफ़ जगह पर ज़रूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जो मैंने आपसे शेयर करी है नॉलेज, जो बातें शेयर करी हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आप ज़रूर शेयर करिएगा। आप सबका सपोर्ट जो है, एक छोटा सा सपोर्ट भी जो है बहुत मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।